हाय, मैं हूँ शारदा। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली की बर्फी। मूंगफली की बर्फी सर्दियों में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और खाने में ये पौष्टिक है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो आइए देखिए मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए हमने क्या सामान लिया। एक कप हमने मूंगफली ली है, एक चौथाई कप हमने चीनी का लिया है और एक चौथाई चम्मच हमने इलायची का पाउडर लिया है। मूंगफली को हमने 2 घंटे पहले भिगोकर सुखा लिया था, अब हम मूंगफली को पीस लेंगे। मूंगफली को मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको हम पेस्ट को तैयार कर लेंगे। मूंगफली को एक बार चेक कर लेंगे। मूंगफली हमारी पिसकर तैयार हो चुकी है, हमने इसकी पेस्ट बना ली है और अब हम इसको हटा देते हैं। पेस्ट को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मूंगफली को पीसकर हमने पेस्ट बना लिया है और अब हम गैस जलाकर चाशनी को पकने के लिए रख देते हैं। गैस ऑन करेंगे। जितनी हमारे पास चीनी है उतना ही हम पानी डाल देंगे। और चीनी को हम एक बार अच्छे से खुलने देंगे और उसके बाद हम इसको 1.5 तार की चाशनी पका देंगे। चाशनी को हम खूब अच्छे से पकने देंगे जब तक हमें लगे कि 1 या 1.5 तार की चाशनी जब तक हमारी नहीं पकती तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। चाशनी को हमें खूब अच्छे से पकाना है। चाशनी को हमें 1 या 1.5 तार की पकाना है। जब हमारी चाशनी 1 या 1.5 तार की बन जाएगी तब हम मूंगफली की पेस्ट को बीच में डाल देंगे। चाशनी को हम एक बार चेक कर लेते हैं। उंगली से हम थोड़ा सा मिश्रण उठाएंगे और चेक कर लेंगे। दोनों उंगली और अंगूठे के बीच अगर मिश्रण चिपक रहा है तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। मिश्रण हमारा उंगली और अंगूठे के बीच चिपक रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी पककर तैयार हो चुकी है। गैस को हम कम कर देते हैं और तैयार की हुई पेस्ट को बीच में मिला देंगे। इलायची पाउडर भी मिला देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इस पेस्ट को हम तब तक हिलाते रहेंगे जब तक पेस्ट हमारा और गाढ़ा नहीं हो जाता। मिश्रण हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। गैस को हम बंद कर देते हैं और अब इस मिश्रण को हम घी लगी हुई थाली में डाल देंगे। ये हमारे पास घी लगी हुई थाली है, सारा मिश्रण इसमें डाल देते हैं। जैसे ही ये मिश्रण हमारा ठंडा होगा हम इसको मनचाहे आकार में बर्फी को काट लेंगे। मूंगफली की बर्फी हमारी ठंडी होकर जम गई है, अब हम इसको मनचाहे पीसेस में काट सकते हैं। मूंगफली की बर्फी को जमने के बाद हमने मनचाहे पीसेस में काट लिया है। मूंगफली की बर्फी हमारी बनकर तैयार है। मूंगफली की बर्फी को बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ।